हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 8 और मैं उठ चुका हूँ। और चलो चलते हैं, देखते हैं, करते हैं कुछ। अब तो आज हमारे चैनल की सेकंड वीडियो है, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो गाइस, आज कल की तरह बारिश तो नहीं है, आज बहुत ही अच्छी धूप निकली हुई है। चलो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो गाइस, आज धूप निकली हुई है और वो पापा जी गाड़ी लेके जा रहे हैं सामने। सो गाइस, आज का सीन कुछ ऐसा है कि आज गवर्नमेंट ने 2 दिन का लॉकडाउन किया हुआ है, तो आज दुकान नहीं खोल सकते, इसलिए आज हम सारा दिन ऊपर ही रहेंगे। और आपको बताते हैं कि पूरे दिन हम क्या क्या करेंगे। तो गाइस चलो अभी नहा लेते हैं और फिर बाद में आपके साथ मिलते हैं। ओके गाइस। सो गाइस, हमारे साथ पोपट हो चुका है। अब हम नहा नहीं सकते क्योंकि पानी गर्म नहीं है, तो अब देखते हैं, या तो जैसे कल हमने आग जलाई थी और पानी गर्म किया था चूल्हे में, वैसे ही करेंगे, या तो फिर थोड़ी देर 11 12 बजे तक नहाएंगे, तब तक पानी गर्म हो जाएगा क्योंकि हमने सोलर गीजर लगाया हुआ है, और ऊपर कल धूप नहीं थी इसलिए पानी गर्म नहीं हो पाया। तो चलो गाइस, अब देखते हैं कि हम क्या करेंगे। ओके, रुको, बाद में मिलते हैं। सो गाइस, सभी उठ चुके हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि अभी हम मैडम जी सोई हुई हैं, इनकी अभी सुबह नहीं हुई। हेलो, उठ जा, चल वीडियो बनानी है, आ जा उठ। सो गाइस, अब चलते हैं, आग आग वाग जलाते हैं, देखते हैं, करते हैं कुछ। अब नहा तो सकते नहीं ना इसे, नहीं तो फिर 12 बजे नहाएंगे तो कल फिर से पानी गर्म नहीं होगा सोलर गीजर में। और ये हमारे सोनू भैया, ये हमारी बुआ जी के लड़के हैं। सो देखते हैं, अब चलते हैं पानी गर्म करने। सो गाइस, अभी हम किचन में आ चुके हैं और आपको एक चीज़ दिखाते हैं। ये देखिए, हमारे बूबू जी जो कि आटा गूंद रहे हैं, क्योंकि आज बनने वाली हैं बेड़ियाँ, जिनके अंदर मतलब रोटी रोटी की जैसे तो होती नहीं, पूरी की जैसे होती है, और उनके अंदर चने की दाल डाली जाती है। सो आज वो बन रहा है और धूप आज बहुत अच्छी निकली हुई है, मज़ा आ जाएगा, लेकिन क्या करें, बाहर आप जा नहीं सकते ज़्यादा, अगर पुलिस वालों ने देख लिया तो डंडे पड़ेंगे, जैसे कि आपको पता ही है लॉकडाउन में होता है। सो अभी भी मैंने आग नहीं जलाई, बार बार ऐसे ही इधर उधर चले जा रहा हूँ और आग नहीं जला रहा। देखते हैं, नहाना तो पड़ेगा, नहाए बिना भी रहा नहीं जाता। चलो तो चलो, देखते हैं, करते हैं कुछ, नहाते हैं। सो गाइस, अभी मैं नीचे आ गया हूँ और यहाँ पर दादी जी कह रहे हैं कि सफाई करनी है, तो इस जगह पे कोई हम सफाई करेंगे। तो चलो देखते हैं कि यहाँ पर क्या क्या सफाई करनी होगी। लेट्स सी। हाँ जी बोलो, क्या करना है, बोलो क्या करना। मैंने तो ये भिंडी बीजनी है। अच्छा, तो इधर सारा गंडल है, ये सभी साफ हो जाएगा थोड़ी देर में, मैं कर दूँगी इसको साफ। ओके, तो आप अकेले करोगे? नहीं, आपको साथ देना होगा। हाँ चलो, तो फिर मैं अकेले कैसे करूँगी, मैं बीमार हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं। सो गाइस, अभी हम जा रहे हैं पानी के लिए, घड़े हमने हरे, तो अब इन घड़ों को गाड़ी में डालते हैं, और वो आ गई है गाड़ी।
हाँ जी भाई, ये तो फिर डालते हैं इनको गाड़ी में। चलो सो गाइस, अभी मैं कार में बैठा हुआ हूँ और पापा जी अभी तक नहीं आए क्योंकि शायद वो पूजा कर रहे होंगे, और दादी जी और बुआ और बुबू जी सभी काम पे लगे हुए हैं। रुको मैं अभी दिखाता हूँ, वो देखो गाइस उधर सामने वहाँ पर, वो देखो वो लगे हुए हैं काम पर। तो हम तो ठहरे नवाब, हम कहाँ काम करेंगे, पर अभी हम पानी के लिए जा रहे हैं तो आके देखते हैं, आके काम करेंगे होगा कुछ। ऐसे तो सारे दिन लॉकडाउन रहेगा आज, सभी आसपास आस पड़ोस में दुकानें बंद हैं आज। अगर आपको दिखाऊं, चलो बाद में दिखाता हूँ। इधर हमारे सामने सब्जी की दुकान है, वो खुली हुई है और बाकी सब बंद है। और कल से आज मौसम बहुत अच्छा है गाइस, कल तो बारिश लगी हुई थी और आज धूप हुई है। और ऐसे भी हिमाचल में ज़्यादा ठंड, और यहाँ हमारे यहाँ पर तो ज़्यादा ठंड नहीं होती, लेकिन शिमला वाली साइड वहाँ जाए तो शिमला मनाली उधर जब बर्फ़ पड़ती है तब भाई साहब कुछ नहीं कह सकते, तब बहुत ज़्यादा ठंड होती है। और यहाँ पर तो अभी भी 15 डिग्री सेल्सियस ही है, और गर्मी ज़्यादा यहाँ पर गर्मी भी ज़्यादा नहीं होती। ज़्यादा गर्मी जैसे ऊना वाली साइड वहाँ चले जाएँ तो ज़्यादा वहाँ पर ज़्यादा गर्मी होती है। अभी बुधवार की बात है तो वहाँ पर 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चला गया था, इतना ज़्यादा गर्मी हो गई थी वहाँ पर। तो यही मैं बात कर रहा हूँ, और यहाँ पर अभी भी 15 डिग्री सेल्सियस है। दिन को देखते हैं दिन को कितना होगा, यहाँ पर भी ज़्यादा गर्मी नहीं होती ना ज़्यादा ठंड, टेम्परेचर ठीक ही रहते हैं यहाँ पर। तो चलो देखते हैं पापा जी कब तक आते हैं और फिर चलते हैं पानी लाने। सो गाइस, ये है हमारा मंदिर जिसकी मैं बात करता हूँ, इस मंदिर की बात करता हूँ मैं। यहाँ पर हम हर रोज़ पूजा करने के लिए और इसको बंद करने के लिए आते हैं। ये हमारे दादाजी जो थे वो इस मंदिर के पुजारी थे। और ये हमारे मंदिर के साथ में एक नाला भी है, और ये है हमारा मंदिर। तो अभी हम वापस जा रहे हैं, तो चलो ठीक है चलते हैं। सो गाइस, हम पानी भी लेके सब कुछ करके आ गए हैं, और आपको एक बात बताऊं कि नहाया मैं अभी तक भी नहीं हूं और ना मैंने पानी गर्म किया है। तो चलो अब बाथरूम में देखते हैं चल के कि पानी गर्म है या नहीं। सो गाइस, बहुत ही दुख की बात है कि पानी गर्म नहीं है, कोसा सा है, और कोसे पानी से नहाने से बीमार हो सकते हैं। बीमार तो नहीं होंगे पर क्या पता, अगर हो गए तो कोविड चल रहा है और कहीं बुखार जुखाम हो गया तो लोग तो जान ले लेंगे, लोग नहीं छोड़ते फिर। तो अब क्या करें, कोसे पानी से भी नहीं नहा सकते, थोड़ी देर और वेट करना पड़ेगा। अभी टाइम लगभग 10 बज रहे होंगे, तो 11-12 बजे तक देखते हैं, अगर पानी गर्म हो गया तो तब तक नहा लेंगे, वरना फिर और क्या कर सकते हैं। चलो देखते हैं, तो अब और कुछ करते हैं, देखते हैं क्या होगा। नहाए नहीं यार, बहुत खारिश हो रही है सभी जगह, नहाना तो पड़ेगा। चलो देखते हैं, कोसे पानी से ही नहा जाते हैं, छोड़ो यार। सो गाइस, ये देखो ये हमारा पेस्ट बन चुका है चने की दाल का, और इसको अब हम उस रोटी में डालेंगे और तलेंगे, फिर आपको बताएंगे कि कैसा ये बनेगा। बहुत ही टेस्टी होता है, दही के साथ खाने में तो मज़े ही आ जाता है। और ये हमारे मास्टर शेफ जो इसको बना रहे हैं, और ये हमारे सोनू भाई। सोनू भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना ज़रूर, नहीं तो फ़ोन दे देना मेरे पास, मैं खुद कर लूँगा। सुबह इस पानी तो गर्म है नहीं, तो अब मैं जा रहा हूँ वही, देखते हैं अब तो कोशिश करेंगे कि कैसे ना कैसे पानी गर्म करना ही होगा। तो अपना देसी जुगाड़, देखते हैं चाबी कहाँ पर है, शटर की
चाबी ढूंढते हैं। अपना देसी जुगाड़ अपनाने पड़ेगा, इस शटर के साथ होगी, देखते हैं। और देखो गाइस, ये आज हमारी दुकानें बंद हैं क्योंकि आज गवर्नमेंट ने लॉकडाउन किया है 2 दिन का, इसलिए लगभग बाजार में सभी दुकानें बंद हैं। कोई कुछ एक दो दुकानें हैं जैसे मेडिकल स्टोर और जनरल स्टोर तो नहीं है, मतलब हाँ उनमें ऐसा ही सामान है करियाने का, और वही दुकानें ओपन हैं, बाकी सभी दुकानें बंद हैं। सो फ्रेंड्स, ये हमारी साइकिल है, ज़्यादा अच्छी नहीं है, और ये हमारा देसी जुगाड़ है। देसी तो नहीं है, हिमाचल में ऐसा ही चलता है, लेकिन पर चलो उठाते हैं अब इसको, रखते हैं बाहर। यहाँ जैसे यहाँ तो गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, साइड में जलानी पड़ेगी, कहाँ जैसे जलाएं, चलो यहीं जला देते हैं। और हमारा मटका जिसमें पानी गर्म होगा, हमारी भाषा में से हमारा भाषा में, चलो गाइस हंसना मत, पर हमारी भाषा में इसका बहुत ही अजीब नाम है, हमारे लैंग्वेज में से तरमेड़ा बोलते हैं गाइस, तरमेड़ा। सो अगर आपको नाम अच्छा लगे तो इसी बात पे वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना और कमेंट जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सो गाइस, अभी मैं पानी भर रहा हूँ, तो अगर अब आ जाए तब तक तो मैं वीडियो बंद कर दूँगा, पर अगर अब आ जाए तो सॉरी। सो गाइस, पानी हम ले आए हैं, नीचे रखा हुआ है, अब इसको डालते हैं इसमें। अब मेरे को फ़ोन रखना पड़ेगा साइड में, क्योंकि फ़ोन चलाते हुए हम। सो फाइनली गाइस, हमारी आग जल चुकी है, तो अब पानी गर्म हो रहा है, तो अब देखते हैं कितनी देर में पानी गर्म होगा और हम नहाएंगे, लेट्स सी। सो गाइस, तो अब नहा चुके हैं हम, और टाइम वही 11 बज गए हैं जैसा एस्टीमेट लगाया है, पर लेकिन हमने आज हम उस सोलर गीजर वाले पानी से नहीं, खुद आग जला के नहाए, जिससे आग पानी गर्म होने में तो टाइम नहीं लगा, लेकिन कुछ और काम थे सफाई करने का, वो करते करते टाइम लग गया। तो अब नहा गए हैं, तो अब सर में तेल ताल डालते हैं और क्रीम लगाते हैं, और क्या करेंगे, तैयार होते हैं फिर, जो आज हमारा ब्रेकफास्ट बना है वो दिखाते हैं। ब्रेकफास्ट भी आज लेट हो गया है, क्योंकि आज वो चने की दाल वाली रोटी बनी है, तो चलो अब आपको दिखाते हैं। सो गाइस, अब हम तैयार हो गए हैं, नहा धो के तैयार, और अभी मैं टेरिस पे आया हूँ, यहाँ पर ये गीज़र लगा हुआ है, इसका ये भील है इसको बंद करने के लिए, और धूप बहुत तेज़ हो रही है, पर चलो अच्छा है। ये है भाई साहब वो गीज़र जिसकी मैं बात करता हूँ, ये है सोलर गीज़र, इसी में हमारा पानी गर्म होता है, और आज ठीक पानी गर्म हो जाएगा, और फिर कल हम नहा सकेंगे अच्छे। ऐसे वैसे तो देखा जाए तो ये जो हम पानी इस उधर नीचे इस चूल्हे में गर्म करते हैं वही अच्छा होता है नहाने के लिए, गीज़र वाला पानी अच्छा नहीं होता, पर लेकिन ये भी ठीक है क्योंकि ये सोलर गीज़र वाला पानी है, इसलिए वो भी बढ़िया है। तो चलो, अभी भी ब्रेकफास्ट तैयार नहीं हुआ, जब हो जाएगा तब देखते हैं, खाते हैं कब तक, देखते हैं कब तक तैयार होता है और हम खाते हैं।
सो गाइस अब हम काम करके बैठ चुके हैं थोड़ी देर, और यहाँ पर पीहू अब खुदाई करने लग गई है। इससे खुदाई नहीं की जा रही, सो गाइस अभी काम करके सभी बैठ चुके हैं। हाँ देख सकते हैं आप, सभी थक चुके हैं और हमारे सोनू भैया उस तरफ चले गए हैं। तो अब देखते हैं, ऊपर नाश्ता बन चुका है, अब तो लंच का ही टाइम हो चुका है, तो अब नाश्ता तो छोड़ो। और हमारे सोनू भैया तो देखो फ़ोन पे बात कर रहे हैं। हेलो, तो फिर अब देखते हैं, फिर नाश्ता बन चुका होगा तो खाते हैं और फिर आपको दिखाते हैं कि आज क्या बना है, जो मैंने बताया था आपको, पीसी हुई दाल की, चने की दाल की रोटियां। चलते हैं देखते हैं अब ऊपर नाश्ता बन। सो गाइस हमारी वो दाल वाली सब रोटियां बन चुकी हैं, तो अभी मैं आपको, चलो रुको बैक कैमरे के साथ बताता हूँ। ये देखो गाइस कुछ ऐसी सी बनी है, आप चाहो तो इसे अचार के साथ भी खा सकते हैं, लेकिन मैं तो दही के साथ खा रहा हूँ, मुझे दही पसंद है। देख लो जैसे आप खा लेते हैं, फिर थोड़ी देर बाद आपके साथ मिलते हैं। सो गाइस अभी सभी रेस्ट करने के लिए चले गए हैं और हम भी रेस्ट करने की सोच रहे हैं, तो थोड़ी देर रेस्ट करते हैं और लंच डिनर तो क्या, लंच ही, सभी ने लंच तो कर लिया है, अब देखते हैं, अब थोड़ी देर सो जाते हैं। तो चलो गाइस अब थोड़ी देर बाद मिलते हैं आपसे। सो चलो गाइस अभी सभी उठ चुके हैं और इधर दादी और प्रिंसी पढ़ाई कर रही है, और बुआ जी सीरियल देख रहे हैं, और दादी जी अभी बाहर गए हैं, वो भी सीरियल देख रहे थे। तो आज ज़्यादा कुछ इंटरेस्टिंग तो हुआ नहीं, और हमने बस यही काम किया वो, और वो रोटियां बनाई वो बस। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करो, कमेंट करो और लाइक करो, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो। तो ओके गाइस बाय।